बहुत सारे लोगों के टॉयलेट से मिली हूँ। Enjoy. ओके गाइस, अब हम जा रहे हैं पिंक लेक। या पिंक लेक सी इट्स देयर। और ये रेशमा है, उधर से एंट्री थी। ओ गाइस इट्स सो गुड। ये देखो पिंक लेक रेशमा। ओ गॉड, ये रेशमा ना ये मेलन के पीछे पड़ गई है, वाटरमेलन। Is it fake? Is it fake? It's fake. Oh, it's look real. I know. अंदर को आप देखो ये नजर है। ये है विश पॉन्ड। ओके आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं यहाँ पे पिंक पॉन्ड में। यहाँ पे स्विमिंग पूल है एक्चुअली, आई थिंक है ना, स्विमिंग पूल है ना ये। इट्स पॉन्ड। पॉन्ड या इट्स अ पिंक पॉन्ड। क्वालिटी सो गुड। जाओ इसके अंदर तैरो उन बच्चों के साथ। तैरूंगी क्योंकि यहाँ पे बच्चे तैर रहे हैं। मैं भी इन्होंने सुसु से ली होगी अंदर। क्या की होगी? और वो मम्मा है वो क्या? देखो हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये है मेरी प्यारी मम्मा, चंदा हूँ उनकी प्यारी बेटी। कुछ बोलना चाहोगी? कुछ बोल दो मम्मा, कहाँ पे आपको अच्छा लगा? मम्मी आप ब्लॉग में हो, कुछ बोलो। हम घूमने आए हैं, बहुत अच्छी जगह है, देखिए कितना अच्छा जगह है। मम्मा पूरी रिपोर्ट। मम्मी आप ऐसे क्यों? मम्मी नॉर्मली ऐसे बात नहीं करती, जैसे कैमरा ऑन होता है ना अजीब सी बातें करती है। हरिश्मा अरे एटलीस्ट कुछ तो बोलो, ऐसा मैं स्टॉप कर रही हूँ तो कुछ बोलो। ये हम मुझे हाथी जैसा दिख रहा है। रेशमा जाके उसको पानी को कुछ कर। हाँ मेरे को छूना भी नहीं है उस पानी को। क्यों? पर इट्स लुकिंग गुड। हाँ तो कुछ बोलो अब। मैं इस जगह को पहली बार एक्सप्लोर कर रही हूँ। क्या बोलूँ? वो बर्ड उड़ के गया। हाँ मुझे उसमें डुबकी लगाने का मन कर रहा है। पर दिल में एक दर्द है, आई मीन दिल में एक बात है कि वो बहुत सारे लोगों के टॉयलेट से मिली हुई होगी। लोगों के नहीं, वो बच्चों की। बच्चे लोग नहीं होते क्या इंसान? ये आई थिंक ये उड़ता है क्यों? इसको इसकी पड़ी हुई है ये स्टैचू की, जो कि हमें पता ही नहीं है कि ये स्टार्टिंग कहाँ से है और इसके एंड कहाँ से है। ये क्या है? टॉयलेट की बात करते करते एक टॉयलेट वाला इंसान मिल गया। कहाँ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो देखो कहाँ 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 वो रहा फाउंटेन। अरे रुको वो रहा। ओह माय गॉड क्या है, क्या बदतमीजी है। कट करेंगे इसको। मुझे एक अद्भुत सी चीज़ मिली है जो कि अब मुझे है, तो मैं अब जाके उसमें बैठ के दिखाऊंगी। कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल नहीं है। नहीं है ना? इसमें मैं पूरा बैठ के दिखाओ। इसमें ज़रा काउंट। अच्छा कैसा लग रहा है आपको? हाँ दर्द हो रहा है। हाँ मैं नहीं बैठ सकती। कंटेंट दो अपना। क्या कंटेंट? रुक जाओ, कंटेंट दिमाग में नहीं आ रहा है तो मैं एक्टिंग करके दिखाती हूँ। ये बच्चे लोग को देखते मुझे बच्चों का ना याद आएगा, तो मुझे देखना बस। ये गार्ड्स देख रहे पर कोई बात नहीं, बच्चे जब दौड़ते कैसे दौड़ते मैं बताती हूँ। गाइस ऐसी फालतू की बकवास पे हम ना ध्यान नहीं देंगे अभी हम। अरे ये मेरे ब्लॉग है, तो इस व्लॉग में आज के लिए बस इतना, बिल्कुल भी नहीं है, इसके आगे भी है, तो हम दूसरी जगह चलते हैं। ओके गाइस तो ये दोनों अभी इंटरव्यू देने वाले हैं। ओके पूछो पूछो।
कुछ भी बता दो। हाय गाइस, मेरा नाम रोशनी है। बच्चों मेरा नाम और ये मेरी मम्मी है। ये हमारे बच्चे हैं। मम्मी इतनी सीरियस क्यों हो? मम्मी पता है नॉर्मली ऐसी बिल्कुल भी नहीं। अब देखते रहना, मैं कुछ ना कुछ ऐसे बोलेगी सोच के और फिर ऐसे रिकॉर्डेड वाले में। रेशमा देखो एकदम बोर हो गई है और उसका मूड ऐसे खराब हो गया है। रेशमा कैसे लग रहा है? एक मंकी के ऊपर कुर्सी। रेशमा भागे जा रही है छोड़ के, और ये उससे ये हिलता है। अगर मैं बनाऊंगी ना, ओके नाउ आई एम गोना सी माई सेल्फ हियर। अगर देखी जाऊं तो कहीं हाँ ये मैं हूँ। What's she doing? Where are you going now? Level 1 and then 2 and then first and fighting her and then ground and then go. Arey bus, that's it. Bye guys, I'm going back. आगे देखो फिर नहीं करती मैं। ओ यार, दिस साइड आई वॉन्टेड टू शो। ओके, इट्स अ टी रूम। Oh, look at this. इसमें क्या सेंस है ये देखो, इसमें क्या है? ये तो हमारे घर पे होते हैं नानी दादाजी दादी, पता नहीं इसमें क्या आर्ट है, मुझे नहीं पता। एम्स का एंड ये इन्होंने सिर्फ रेड पेंट कर दिया, ये इनके लिए आर्ट है। काई जी तो मैं भी कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी आंटी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आंटी व्हाट आर यू डूइंग? गॉड दिस इज सो गुड, यू नो आई लाइक इट। मुझे ना स्कूल के दिन याद आ गए गाइस, जब हम पिकनिक में जाते थे ऐसे कोई म्यूजियम एंड ऑल। 1955 तो सो गुड है ना, अगर हम 1955 की बात करें तो इन्होंने एक बैल बनाई है और साथ में एक लड़का जो नाच रहा है जिसके हाथ बहुत लंबे हैं। मेरा कोई बच्चा होगा ना तो ऐसी पेंटिंग बनाएगा, देख पेंटिंग। ये तो फिर भी अच्छी है, देखना। Hey beautiful ladies, ये हेयर स्टाइल तो मेरे को भी करना है रे, गजब का हेयर स्टाइल है रे पापा। मैं भी खड़ी था राइट,
नो नो यू आर नॉट सिलेक्टेड. इस जूते में कुछ लग गया है. एक्सक्यूज मी आंटी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? जींस. हाँ मुझे भी लग रहा है. मम्मा कहाँ गए? वो भी मम्मी एंजॉय कर रही है. लैंप 1890 onwards. दिस इज सो गुड. मुझे बहुत अच्छी लगी पेंटिंग. आई लाइक इट. वही 1930. ओ गॉड, सो टैलेंटेड यू नो. दीदी ये वाला देखो कितना कूल है. ये पेंटिंग है तो मुझे फोटोग्राफी लग रही है. 1844. ये सबसे बेस्ट है ट्रूली. सो गुड. This didi is trying to make someone scare. मुझे ऐसा लगा कि वो जीसस के हमारे वो नहीं होते 14 स्टेप्स वो वैसे टाइप में लगा. लेकिन वो जो वो एंशिएंट में वैसे करते थे. हाँ डांस करवा रहे उसको जैसे हमारे वहाँ पे. हाँ जैसे हमारी लाइक में होता है ना क्रिश्चियनिटी में कि पुराने टाइम पे ऐसे पहनते थे या ना ऐसा कुछ होता था. अब बाइबल खुल के देखोगे बिल्कुल वैसा लग रहा है मेरे को ये सब. ओके गाइस लेट्स एंटर दिस प्लेस. गोरिल्ला एंड एक लड़की. ओह ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टाइल. हाँ इसमें लिखा है गोरिल्ला कैरिंग ऑफ अ वुमन. सो नाइस लव स्टोरी यू नो हो सकती है. Adam and Eve. Okay, I'll go inside now. यार एक के अंदर एक कमरा है यहाँ पे. सॉरी मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ये एक आर्ट गैलरी है. आई कांट स्पीक लाउड. अलमीरा ना ड्रेसिंग टेबल आई थिंक. Wow, I like this one. Mm.
क्योंकि जी नाना के लिए कुर्सी रखी है। वाओ ड्रेसिंग टेबल कितना पुराना। दीदी पुराने जमाने का ड्रेसिंग टेबल। शोकेस नहीं है ये, ड्रेसिंग टेबल आई थी। शोकेस है। अच्छा आई थिंक वो वाला ड्रेस है, पता नहीं, मुझे सब ड्रेसिंग टेबल ही दिखा। Enjoying? It was at this moment that he knew he fucked up. What? Oh wow. Kya? जेंट्स टॉयलेट के लग रहे हैं इसका। देखना गुड्डा गुड़िया रखे हैं आप। तो क्यूट है। वो मेरी नानी है, वो मेरी नाना है। वो पागल है। मेरी नाना मेरी नानी है। ओ क्यूटी क्यूटी। नाना नाना छोटा है नानी से। कितना क्यूट है। उनके लिए खाना और पानी भी रख दिया किसी ने। हम इधर ताजी तभी हो क्या और पापा बाय। देखना यहाँ पे स्पून रखे हैं। यार इतना बड़ा स्पून तो मेरे मुंह पे भी नहीं आएगा मम्मा। इतना बड़ा स्पून तो मेरे मुंह पे भी नहीं। वही कह रही हूँ इतना बड़ा। ओ ऐसे तो नानी लोग पहनते हैं। यही क्या है बेंदर। हाँ आई डोंट नो कौन सा जानवर है ये। तब मैं पैदा नहीं हुई थी शायद। ये तो आजकल भी चलता है। अभी कोई पहनेगा तो भी। और ये एंशिएंट है। नारंगी है। 1972 का है ये। अपना टकला हटा रहे यहाँ से। ये क्या है। ओ वाओ उस पत्थर से वैसा कलर बनाया। वो पत्थर से उस ऐसा कलर बनाया और ये इससे ऐसा बन गया है। और ये पता नहीं क्या है, मतलब इनसे कलर्स बनते थे। Stop.